बच्चों, वेलकम टू फनेलन स्कूल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारी नर्सरी क्लास में मैक्स पढ़ने वाले। ओके बच्चों, तो हमारी आप प्रैक्टिस बुक निकालो। बच्चों आज हम ये वाली किताब पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस मैक्स विथ पॉपकॉर्न। ओके चलो ओपन करो पेज नंबर 21। ओपन की बच्चों पेज नंबर 21। आज हम कौन सा नंबर पढ़ने वाले हैं? 7 नंबर, बिगिनर मैथ नंबर 7। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कलर द नंबर 7। ये 7 नंबर लिखा गया है, उसके ऊपर हमको क्या करना है, कलर करना है। तो बच्चों आपको जो कलर अच्छा लगता है वो कलर आप इस 7 नंबर में करना है। इसमें आपको जो भी कलर अच्छा लगता है ना वो कलर आप इसमें करना। ओके देखो बच्चों यहाँ पर कितने सारे अम्ब्रेला दिए गए हैं, है? चलो हम काउंट करते हैं कितने अम्ब्रेला हैं। ओके तो चलो हम सब आप भी मेरे साथ में बोलना, बोलोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7। कितने अम्ब्रेला हैं हमारे यहाँ पर? 7 अम्ब्रेलास। ओके तो कितने हैं? 7 मतलब 7। क्या होता है 7 मतलब 7 होता है बच्चों? 7 की स्पेलिंग क्या होती है? तो देखो बच्चों 7 की स्पेलिंग होती है SEVEN, 7। क्या बोलेंगे इसको हम? 7। यस तो देखो हम नीचे अब देखते हैं आगे, आगे दिया गया है ट्रेक द डॉट्स। ये डॉट दिए गए हैं, डॉट को हमको जो है ट्रेक करना मतलब मिलाना है। तो इस पर देखो बच्चों जहाँ पर डॉट डॉट थे उसके हम पेंसिल से मिलाएंगे। ओके तो देखो कैसे मिलाएंगे, ऐसे। तो ये क्या बन गया? 7 बन गया। पहले हम स्लीपिंग लाइन करेंगे फिर ये से स्टैंडिंग लाइन कर देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? 7। चलो करो आप भी बच्चों, ये क्या बन गया? 7। स्लीपिंग लाइन करेंगे फिर स्टैंडिंग लाइन कर देंगे तो क्या बनेगा? 7। स्लीपिंग लाइन पे इस तरह की लाइन करेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? 7। जो इस तरीके से हमको डॉट को मिलाना है ना। तो देखो हम मिलाते हैं आगे और भी, स्लीपिंग लाइन करेंगे ये, तो क्या बन गया? 7। बोलो मेरे साथ 7। ये 7 7। ओके तो जो आप भी इस तरीके से बोल बोल के अच्छे से राइटिंग में 7 लिखना। चलो आगे देखते हैं पेज नंबर 22 ओपन करते हैं। बच्चों अब आगे दिया गया है, देखो यहाँ पर लिखा गया है सर्कल द क्रिसमस ट्री विथ 7 बेल्स। यहाँ पर कितने? 3 ट्री है क्रिसमस वाले, है ना, ये 1 2 3 3 क्रिसमस के ट्री है, पर इसमें सभी में बेल्स मतलब घंटियाँ लगी हुई है। तो एक किसमें? 7 बेल्स है, उसके ऊपर हमको क्या कर देना है? सर्कल करना है, तो हमको काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो चलो हम काउंट करते हैं। तो देखो बच्चों इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। अब इसमें काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। और इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। तो हमारे ऊपर क्या लिखा गया था? हमारे यहाँ पर बताया गया था कि जिस क्रिसमस ट्री में 7 बेल्स है उसके ऊपर हमको सर्कल करना है, मतलब जिस क्रिसमस ट्री में 7 घंटियाँ है उसके ऊपर हमको गोला करना है, है ना। तो बच्चों हम इस क्रिसमस ट्री पर सर्कल बना देंगे, ये हमने इसके ऊपर सर्कल बना दिया। तो आप भी अपनी नोटबुक में बुक्स में ऐसा सर्कल बना देना। अब आगे नीचे देखते हैं, ये आगे लिखा गया है टिक नंबर 7 ऑन द ट्रेन।
हमको सेवन नंबर ट्रेन है ये बच्चों, देखो यहाँ पर ट्रेन दी गई है, उसके ऊपर हमको सर्कल करना है, सेवन नंबर पे सर्कल करना है, मतलब जहाँ पर सात नंबर लिखा गया है उसके ऊपर हमको गोला बना देना है। ओके तो चलो हम देखते हैं, सेवन नंबर है तो ये सेवन, पहले ही सेवन है तो हमने इसके ऊपर टिक कर दिया। फिर सिक्स पर हमको तो सेवन पे टिक करना है, फिर ये रहा सेवन, फिर एट, फिर नाइन, तो हमने सेवन के ऊपर टिक कर दिए है ना। फिर बच्चों आगे दिया गया है ड्रॉ सेवन काइट्स, सात पतंग हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है, मतलब बनाना है। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पर बना है, आप भी ऐसे अच्छे से राइटिंग में अच्छे से ड्रॉ करना। ओके तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, सेवन नंबर पढ़ा, मजा आया। और सेवन की स्पेलिंग क्या होती है, सेवन की स्पेलिंग होती है एस ई वी ई एन, सेवन। तो आप बच्चों वीडियो को देखना और समझना, और वीडियो में से देख देख कर अपनी बुक्स में भी लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।